तो हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो? उम्मीद है मस्त होंगे, खुश होंगे। हम लौट आ चुके अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट सूचना में। तो आज का टॉपिक है चार टीमें जिनके खिलाफ विराट कोहली वनडे में खेले तो है लेकिन शतक बनाने में रहे पूरी तरह से नाकाम। क्या है पूरा वाकया जानेंगे डिटेल के साथ इस छोटी सी वीडियो में, लेट्स गो। इससे पहले जो भी मेरे भाई बंधु नए हैं इस चैनल में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को बटन दबाना ना भूले, इससे आने वाली हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लेट्स गो। चार टीमें जिनके खिलाफ विराट कोहली वनडे में तो खेले हैं लेकिन वनडे शतक बनाने में पूरी तरह से रहे नाकामयाब। इस बात में कोई शक नहीं कि विराट कोहली दुनिया के सबसे शानदार बल्लेबाजों में से एक है। इसका अंदाजा उनके आंकड़ों को देखकर ही लगाया जा सकता है। वह उन कुछ बल्लेबाजों में शुमार है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में उन सभी टीमों के खिलाफ शतक बनाया है जिनके खिलाफ वो खेले हैं। हालांकि 50 ओवर के फॉर्मेट में उन्होंने अभी तक यह उपलब्धि हासिल नहीं की है। कोहली ने 13 देशों के खिलाफ वनडे मैचों में बल्लेबाजी की है और उनमें से उन्होंने केवल 9 के खिलाफ ही शतक। वनडे क्रिकेट में उनके नाम 43 शतक दर्ज है। उन्होंने अभी तक 262 वनडे मैच खेले हैं और 12,344 रन अपने नाम किए हैं। इस दौरान उनकी औसत 57.68 रही है। तो आज हम आपको उन चार टीमों के बारे में बताएंगे जिनके खिलाफ विराट कोहली ने वनडे मैचों में खेला तो है पर शतक नहीं बना पाए हैं। नंबर 1, UAE। 2015 के वर्ल्ड कप में भारत ने रविचंद्रन अश्विन के 4 विकेट की मदद से UAE को 102 रनों पर आउट कर दिया था। 102 रनों के अंदर आउट हो जाने के कारण विराट कोहली को इस मैच में ज्यादा बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला था और वह इस मैच में 33 रन ही बना पाए थे। इस मैच को भारत ने 9 विकेट से अपने नाम किया था। नंबर 3, नीदरलैंड। 2011 में वर्ल्ड कप में भारत ने ग्रुप स्टेज में नीदरलैंड के खिलाफ एक मैच खेला था। इस मैच में नीदरलैंड की टीम 46.4 ओवर में 189 रन में ढेर हो गई थी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने यह मैच 36.3 ओवर में 5 विकेट खोकर अपने नाम कर लिया था। इस मैच में कोहली के बल्ले से ज्यादा रन तो नहीं निकले थे, इस मैच में वो 20 गेंदों पे 2 चौकों की मदद से 12 रन ही बना पाए थे। उन्हें अभी डच टीम के खिलाफ एक और मैच खेलना बाकी है, हो सकता है वो इस बार शतक जरूर मारेंगे। नंबर 2, आयरलैंड। आयरलैंड के खिलाफ कोहली ने 2 वनडे में जरूर खेले लेकिन कभी शतक नहीं बना पाए। कोहली आयरलैंड के खिलाफ पहला मैच 2011 वर्ल्ड कप में खेले थे। इस मैच में आयरलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 47.5 ओवर में 207 रन पर ढेर हो गई थी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने यह मैच 46 ओवर में 5 विकेट खोकर अपने नाम कर लिया था। इस मैच में विराट कोहली ने 53 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके की मदद से 34 रन ही बना पाए थे। वहीं पूर्व भारतीय कप्तान ने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 2015 में खेला था जिसमें वह शतक बनाने में नाकाम रहे थे। नंबर 1, अफगानिस्तान। इस लिस्ट में अफगानिस्तान टॉप पर है। कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2 वनडे मैच जरूर खेले हैं। उन्होंने पहला मैच 2014 में खेला था, इस मैच में उनकी बल्लेबाजी नहीं आई थी। दूसरे मैच में उन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप में खेला था, इस मैच में उन्होंने 67 रन की पारी खेली थी। वजह से भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट पे 224 रन बनाए थे। इसका पीछा करने उतरी अफगानिस्तान टीम ने 4.5 ओवर में 213 रन पर ही सिमट गई और 11 रन से मैच हार गई। थी वो चार टीमें जिसके खिलाफ विराट कोहली अभी भी शतक नहीं बना पाए हैं। क्रिकेट फैंस यही उम्मीद करते हैं कि भविष्य में विराट कोहली इन चारों टीमों के खिलाफ भी शतक बना हर क्रिकेटिंग नेशन के खिलाफ शतक मारने का रिकॉर्ड अपने नाम कर पाए। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम लौटेंगे अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट सूचना में। तब तक के लिए जय हिंद।